चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा ने पदभार संभालने के बाद कोरोना महामारी को लेकर के सतर्कता दिखाई है। जी हां, इसी के तहत उन्होंने सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सिनेमा और सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण की दोनों डोज लेना अनिवार्य करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि साथ ही लोगों से जल्द वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने की अपील उन्होंने की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी योजनाओं और स्कीमों का फायदा लेने वाले लोगों को भी दूसरी डोज लेना अनिवार्य किया जाएगा। इसी के साथ में प्रदेश भर के अस्पतालों में खराब पड़े उपकरणों, मशीनों को जल्द ही ठीक कराने या फिर नई मशीनें लाने के निर्देश देने की बात कही। तो वहीं स्कूल में बच्चे कोरोना के संक्रमित मिलने की बात भी उन्होंने कही है और इस पर उन्होंने कहा है कि चिकित्सा विभाग के अधिकारी और जिला कलेक्टर एसडीएम को इस मामले की पुनः जांच करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं आबकारी मंत्री होने पर कहा कि प्रदेश में शराब के सेवन को कम करने के लिए सरकार जन जागरण अभियान चलाएगी लेकिन शराबबंदी नहीं करेगी। इस दौरान एवन टीवी संवाददाता मनीष चतुर्वेदी ने परसादीलाल मीणा से की खास बातचीत। पदभार ग्रहण कर चुके हैं, हम इनसे एक बार बात करते हैं। सर, आपने पदभार ग्रहण किया है तो किस तरीके से आप देखते हैं? अच्छा, जो भी जिम्मेदारी सौंपी है मुख्यमंत्री जी ने, हाईकमान ने, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और मुख्यमंत्री जी का जो स्वास्थ्य के प्रति, जनता के प्रति जो विजन है, जो उनकी सोच है प्रदेश के लोगों के लिए, जैसे फ्री दवाई, फ्री जांच, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और जो भी बीमारियाँ हैं बहुत बड़ी, उनको बड़ी बीमारी से हमने काबू कर लिया, तो ये विजन को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को सुरक्षित रखेंगे, उनका फ्री में इलाज करेंगे, फ्री में जांच करेंगे और 5 लाख तक का बीमा आम आदमी को मिले, इसके लिए सरकारी हॉस्पिटल हो, गैर सरकारी हो, सबको सुनिश्चित करेंगे। कोई भी पेशेंट आए वो वापस, उसको निराशा नहीं होनी चाहिए, सरकारी योजनाओं का उसको फ़ायदा मिलना ही मिलना चाहिए। अगर इसमें कोई कोताही बरतेंगे या गैर सरकारी हॉस्पिटल, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जनता की सुरक्षा, जनता का जीवन हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि। स्कूलों में कोरोना के मामले फिर आने लगे हैं, इसको किस तरीके से कंट्रोल? कोरोना के मामले आए एक स्कूल के हैं, हॉस्टल के हैं, स्कूलों में नहीं आए गए। हॉस्टल में क्या व्यवस्था थी, कैसे थी, हमारे अधिकारी देख रहे हैं। अगर गाइडलाइन के अनुसार नहीं होगी तो हम सारे हॉस्टल बंद करने का फैसला करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहेंगे। स्वास्थ्य विभाग के साथ आबकारी विभाग की भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई आपको? आबकारी विभाग का भी रेवेन्यू का काम है, जो भी हमारी पॉलिसी थी उस पॉलिसी को लागू, नई पॉलिसी के बाद निश्चित रूप से रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है और जिस तरह का पहले वाली पॉलिसी में जो गड़बड़ झाला था, लोग लॉटरी से दुकान लेते थे, फिर उसको बहुत सबलेट करते थे, दूसरे लोगों को बहुत बड़ा उसमें मार्जिन लेके बहुत बड़ा थे। अब सीधी कोई भी जिसको दुकान लेनी हो वो निश्चित रूप से अपनी मर्जी से ले, उसमें कोई सबलेट नहीं होगा, कहीं उसमें गड़बड़ झाला नहीं होगा, जिसको लेनी हो ले। ओपन नई टीम का गठन हुआ है 2023 मिशन की बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे, तो किस तरीके से टीम काम करेगी? ग्राउंड लेवल पर यही है, जनता से जुड़े हुए मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। सीएससी है, पीएससी है, हमारे सब सेंटर है, हमारी जो भी नीचे की इकाइयाँ हैं उनको निश्चित रूप से मजबूत बनाएंगे, लोगों का वहीं उसी स्तर पर इलाज हो। जैसे हमने लालसोट में मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद कोविड में लालसोट मॉडल लागू करेंगे, वहाँ पर हर सीएससी पीएससी पर सोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, डिजिटल एक्सरे, डिजिटल सोनोग्राफी, सीबीसी मशीनें, जो भी हमारे डॉक्टरों ने मांगी लालसोट विधानसभा में, वो सारे के सारे हमने एमएलए फंड से दिए हैं और जो भी मांगेंगे उनको वो देंगे, चाहे वो डेंगू की जांच की मशीनें हो, सीबीसी हो, एक्सरे हो, सोनोग्राफी भी अब लालसोट में होने लगी, तो हम चाहते हैं कि हर सीएससी पीएससी पर विधायक साहिबान से निवेदन करेंगे पर्सनल कि इस महामारी से लड़ने के लिए आप अपने क्षेत्र में लालसोट मॉडल पर सब तरह की आप सुविधाएं दें, जिससे लोगों को शहरों में नहीं आना पड़े। और जब सारे संसाधन हो गए, जब मुख्यमंत्री जी की निःशुल्क जांच योजना है उसका फायदा सीएससी पीएससी पर मिल जाएगा तो जयपुर क्यों आएगा, उसका इलाज वहीं हो जाएगा, दवाई फ्री मिल रही है, जाँच फ्री हो रही है, तो लालसोट जो मॉडल है हम उसको पूरे स्टेट में लागू करने के लिए माननीय विधायकों को पत्र लिखे। ये थे हमारे साथ में मंत्री परसादीलाल मीणा, इनका कहना है कि लालसोट मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करेंगे, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के अंदर मजबूत कार्य करेंगे। कैमरामैन रामकिशन के साथ में मनीष चतुर्वेदी, एवन टीवी जयपुर।